एसटीजी टाइगर गेमर के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस फाइनली यहाँ पे प्रिस्मा क्रेडिट का एक और न्यू अपडेट आ चुका है जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और इसमें भाई जो लास्ट वाले फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो भाई और भी ज़्यादा तबाही है, तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो चलो भाई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ गाइस आपको बता दूँ कि यहाँ पर भाई 3 से 4 नहीं भाई बहुत सारे फीचर्स आए हुए हैं, बट भाई जो कि मेन मेन जो फीचर्स मैं आपको वो बताने वाला हूँ, और भाई जो छोटे मोटे फीचर्स हैं मैं उसको जो कि बाद में आपको जो कि थोड़ा थोड़ा करके बता के जाऊँगा, क्योंकि भाई बहुत सारे अपडेट इस बार आए हुए हैं और भाई ये छोटे मोटे वो भाई उतने खास नहीं है, वो बस भाई यहाँ पे जो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया गया है और जो मेन मेन भाई जो बदलाव लाए गए हैं मैं आपको उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले भाई यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो कि प्रिस्मा क्रेडिट वर्जन 2.0 बीटा 11 है, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद में भाई यहाँ पर हम चलते हैं न्यू पे, आपका सबसे पहला फीचर्स दिखाते हैं। तो भाई हम यहाँ पर जैसे कोई भी अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अपलोड करते हैं, ठीक है, तो भाई हमको मिरर के लिए भाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मटेरियल में जाके हमको यहाँ से ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हमारा होता था। और भाई एक और न्यू यहाँ पे मिरर का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है, आपको बॉक्स में जाना है, आप अपने हिसाब से जितना चाहो उतने यहाँ पर मिरर सेट कर सकते हो। आपको यहाँ पर नीचे में जहाँ पहले बोन्स का आप देख सकते हो, बोन्स आ चुका है राइट साइड में जहाँ पहले था, और यहाँ पर भाई यहाँ पर देख सकते हो एक न्यू ऑप्शन है जो कि मिरर वाला है, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा मिरर टाइप का हो चुका है, ठीक है, इनविजिबल हो चुका है। और यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर आगे मैं आप अपनी हिसाब से सेट कर सकता हूँ, मैं जितना चाहूँ उतना मिरर कर सकता हूँ, और बाकी यहाँ पर जो है कि यहाँ पर हाइट कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर शो होगा, और इसके बाद में राइट पर क्लिक करूँगा उतना आएगा, यहाँ पर देख सकते हो हाइट हो चुका है, ठीक है, और इसके बाद में मैं दोबारा राइट करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो भाई यहाँ पर जितना हमारा एरिया हाइट था अब उतना यहाँ पर गायब हो चुका है, और बाकी यहाँ पर जितना आप देख सकते शो हो रहा है, ठीक है। इसको भाई आप किसी भी मॉडल बनाने के बाद में जो एक्स्ट्रा पार्ट इसमें निकला गया है आप उसको सेलेक्ट करके वैसा करके आप उसको हाइड कर सकते हो, ठीक है, जिससे भाई जो अलग से ऑब्जेक्ट दिखता है वो आपको नहीं दिखेगा। मैं इसका भाई एक अलग से ट्यूटोरियल लाऊंगा, उसमें आपको अच्छे समझाऊंगा, अभी फिलहाल इसे समझ लो कि ये न्यू मिरर का फीचर आया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद भाई हमारा जो अगला भाई फीचर है भाई बहुत ही ज़्यादा तबाही है, तो उसके लिए भाई यहाँ पर जो है कि मैंने पहले से एक मॉडल इंपोर्ट किया हुआ है जो कि मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई यहाँ पर दो मॉडल्स हैं, ठीक है, आप जानते भी हो कि दोनों मॉडल्स अलग अलग हैं, ठीक है, यहाँ पर भाई जो फ्री फायर बंगल ज़्यादा जानते होंगे भाई ये जो कि गोल्ड रॉयल का बंगल है और एक अलग ही बंगल है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको भी ऐसे लगाया हुआ है। तो भाई हम जैसे प्रिस्मा क्रेडिट पहले अपना कुछ खुद का कुछ मॉडल बना के तो हमको यहाँ पर जो कि हम उसको म्यूजियमों में हम लोग उसको अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई प्रिस्मा फाइल का और यहाँ पर म्यूजियमों में प्रिस्मा फाइल का ऐसा नहीं करके हैं, तो इस म्यूजियमों में सिर्फ और सिर्फ उसमें ओबीजे FBX और यहाँ पे जीप फाइल का एक्सेप्ट करता है, और भी जीप फाइल भाई किसी काम का नहीं होता है, वो भी भाई कभी कभी अपलोड होता है कभी नहीं होता है, तो भाई जिसका भाई आप यहाँ पे सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे जो कि कुछ मॉडल्स यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस मॉडल को जो है कि इसमें ज्वाइन करने वाला हूँ, जो क्या लोग देख सकते हो अपने हिसाब से मैं सेट कर लूँगा, अभी फिलहाल मैं अच्छे से जमाने वाला नहीं हूँ, थोड़ा बहुत आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा बहुत सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पर शॉक्स को भी यहाँ पर जो कि शॉक है हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं अच्छे सेट, और यहाँ पर देख सकते हो हमारा बहुत सारे यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दिख रहा है भाई क्योंकि मैं अभी अच्छे से सेट नहीं करने वाला हूँ, बाद में हम जो कि अपने हिसाब से अगर बनाना होगा तो करेंगे, ठीक है, तो आपको अपनी हिसाब से जैसा भी है आप उस हिसाब से अपना सेट कर लेंगे। तो जो है कि मेरा यहाँ पर फिलहाल मैंने इतना सेट कर लिया है, और यहाँ पर जो कि हल्का सा आगे कर लेता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो भाई हमारे जो कि यहाँ पर ये हो चुका है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर खेल जॉकर पर क्लिक करूँगा और एक्सपोर्ट पर क्लिक करके मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है, और इसके बाद में जो कि यहाँ पे आपको फाइल दिखाएगा तो आपको सिर्फ डाउनलोड फाइल पे आ जाएंगे, तो मैं डाउनलोड में आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू मॉडल क्रिएटेड, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने न्यू मॉडल क्रिएटेड करके यहाँ पे जो है कि इसको मैंने सेव कर दिया है, अब यहाँ पर जो कि सेव हो गया है, सेव हो चुका है फाइनली यहाँ पर। और यहाँ पे गाइस आपको सामने में एक्सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिखा रहा है कि आपको इस पर भाई ध्यान नहीं देगा, आपको बंद कर देना है, क्योंकि भाई ये यहाँ पे पकाएंगे अभी ये प्रिस्मा क्रेडिट का एक प्रॉब्लम है भाई, ये अटक जाता है कि भाई जल्दी हटता नहीं है, आपको प्रिस्मा क्रेडिट बंद कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा जो कि हो चुका है, अब इसके बाद में मैं जो कि एग्जामों में जाकर दिखाता हूँ आपको कि हमारा जो है कि अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम एग्जामों में आ चुके हैं फाइनली, और एग्जामों हल्का सा भाई मेरा नेटवर्क स्लो है कि थोड़ा भाई टाइम लग सकता है, मैं यहाँ पर जो कि भाई थोड़ा सा अपलोडिंग का दिखाऊंगा और इसके बाद में जो लास्ट का दिखाऊंगा, ठीक है, 20 के जितने भी सब है उसको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि भाई वो आपको मालूम भी होगा अपलोड करने के बारे में कोई दिक्कत होता नहीं है, क्योंकि भाई हम उसको बनाएंगे कि भाई बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है,
क्योंकि भाई अब हमारा प्रिस्मा थ्री में एक और न्यू फीचर आ चुका है। पहले जो कि प्रिस्मा फाइल में अपलोड होता था, अब हम उसको भाई जो कि ओबीजे में एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब हम कोई भी मॉडल बना के उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो ओबीजे फाइल में पहले से बन कर निकलेगा, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा तबाही है, जिससे भाई हमारा एग्जामों में भी आसानी से सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी एक बार प्रूफ करके। ठीक है, तो मैं अपलोड करके मैं आता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट करके फाइल में जाके, तो यहाँ पे भाई मैं बैक हो जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते मैं अपना जो मॉडल है उसको ढूंढ लेता हूँ कहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते मेरा दिखा रहा है न्यू मॉडल क्रिएटेड, मेरा फाइल आ चुका है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा अपलोडिंग फाइल ले रहा है, तो मैं थोड़ा सा बस इसको स्किप कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो कि मॉडल यहाँ पे अपलोड हो चुका है और यहाँ पे बस थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है, तो हम इसको थोड़ा प्रोसेस हो लगेंगे के फिर उसके बाद में भाई आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो कि मॉडल आ भी जाएगा। ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। और यहाँ पर भाई जैसे यहाँ पर एक्सपोर्ट करोगे वैसे होगा, कोई इसमें ग्लिच व्लिच नहीं रहेगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हल्का मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए भाई ज़्यादा ही टाइम लगा गए। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई हमारा जो कि मॉडल इम्पोर्ट हो चुका है और यहाँ पर एकदम अच्छे से भाई इसमें कपड़ा लगा हुआ, मैंने जैसा वहाँ से एक्सपोर्ट किया था वैसे यहाँ पर आ चुका है। और इसके बाद में आप इसमें अच्छे से एकदम बोन्स वोस लगा सकते हो, तो मैं बोन्स लगा के फिर उसके बाद में कैसे काम करेगा कि नहीं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो फाइनली हमारा जो मॉडल है वो इम्पोर्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर भाई यहाँ पर हम इसमें कोई भी एनिमेशन डाल के आप अपने हिसाब से हम लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि गाइस आपको ये न्यू वर्जन पसंद आएगा और वीडियो भी पसंद आएगी। तो और हाँ गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपने अगले और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।